करते हैं सर, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। सर आज मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। सर आप अपनी मतलब आप खेती करते हो तो आप अपने खेत में कौन कौन सी फसल उगाते हो? हमारे यहाँ गन्ने की, धान की और गेहूँ की फसल की पैदावार होती है। और सर जैसे हमारे एरिया में और किस फसल की हम कर सकते हैं? हमारे एरिया में सब्जी भी उगाई जाती है और लकड़ी भी लगाई जाती है जो किसान को फायदे की चीज है। सर आपको फायदा कौन सी उससे मिलता है फसल से? फसल अब सरकार ने रेट बहुत कर दिए हैं, अब तो सारी फसल में फायदा है। सर आप अपने खेत में कौन सी तकनीक, अब की तकनीक का यूज करते हैं या पुरानी तकनीक? नहीं अब तो ना हर फील्ड में नई तकनीक आ चुकी है, पहले हल से जोते जाते थे, अब हर किसान के पास ट्रैक्टर है और आधुनिक यंत्र है उनके पास, बढ़िया तरीके से खेती करते। तो सर अब ज्यादा प्रॉफिट मिलता है लोगों को या पुराने टाइम में मिलता था? ऐसा अब जब प्रॉफिट तो कम था पर खर्चे नहीं थे उन लोगों के, अब खर्चे भी उसी हिसाब से जिस हिसाब से हमारी तकनीक होती है। जी सर, सर आप प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बीच में कुछ आपको लगता है अंतर है? हाँ, प्राइवेट स्कूल का और सरकारी स्कूल का ऐसा, सरकारी स्कूलों में जो है टीचर की कमी है, प्राइवेट स्कूल है उनमें टीचर हैं तो बच्चे भी देख रेख ठीक करते हैं, बच्चे हर फील्ड में वो आगे करने की कोशिश करते हैं, सरकारी में ऐसा नहीं है। सर अब हमारी धरती का वाटर लेवल कम होता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? वाटर लेवल की एक अब हम जो धरती से पानी निकाल रहे हैं, सरकार इसके ऊपर पूरा जोर दे रही है भी आप पानी को व्यर्थ ना बहाएं, इसको रोके, और किसान भी ये बात सोचता है कि आने वाले 10-20 साल में वाटर लेवल बहुत नीचे चले जाएगा, हम पानी से भी इसे रहेंगे पैसे रहेंगे। सर जब ये सोनभद्र में सोना मिला है इतना, तो क्या सर ये सच्ची बात है कोई अफवाह? इसके ऊपर सरकार काम कर रही है अपना, अगर तो वहां से मिलता है फिर तो सच है, अगर नहीं मिलता है फिर। और सर आप कुछ और क्या बताना चाहेंगे मुझे? हाँ आप सीए के बारे में क्या कहना चाहते हो? सीए जो है अभी कोर्ट में पड़ा है, वहां से क्या फैसला आता है उसके बाद को? सर जो ये अभी पीछे 370 धारा हटी थी, ये सही था हटना है कुछ धारा सही था हटना, पर कश्मीर में अब तक भी कोई स्थायी वो नहीं हुआ। बस थैंक यू कल।